गुड मॉर्निंग, वह है 11:45 हो रहा है और सुबह से अगर आप पूछते हो क्या क्यों तो आज लेट उठी हूँ। सबसे पहले आज 8 बजे मैं बेड ही छोड़ी हूँ क्योंकि पापा का रेडिएशन कल ख़त्म हो चुका और आज पापा को जाना नहीं था, तो मैं सोची कि थोड़ा आराम से उठती हूँ। और रात में सोई भी हूँ, मुझे लगता है 1 बजे तो मैं इस फ्लैट से उस फ्लैट में गई, फिर वहाँ पे जा करके नींद आते आते मुझे लगता है 1-2 घंटे लग गए होंगे, तो 3 बजे के करीब में मैं सोई थी। तो मैं बोली कि थोड़ा आराम से उठूँ। नाश्ता हो गया है मेरा, गुड्डू का और अम्मा का, पापा अभी तक नहीं खाए हैं। पापा का बना हुआ है गीला चावल। गोल्डी अंशु आज अभी तक सोए हैं क्योंकि 12 बजे उठाऊँगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाली हूँ। फिर मैं बोलूँगी उठना है तो उठना है, ऐसा है। मीरा भी झाड़ू दे रही है। और अगर आप पूछोगे कि लंच वगैरह की क्या तैयारी कर रही हूँ, तो आज एकदम सादा खाना बनाती हूँ। तो चावल, दाल, पापड़ रहेगा और चटनी, सैलेड और आलू का वो भरता, बस वही रहने वाला है। रात में सोच रही हूँ पालक पनीर बनाऊँगी, तो पालक मेरा उबाल वगैरह के उबल के रखा हुआ है, अभी उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी, उसके बाद जो है वो पालक पनीर जो है वो बनाऊँगी। पालक पनीर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ क्या? मैं शायद कर चुकी हूँ, लेकिन कोई नहीं, आज कोशिश करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ पालक पनीर शेयर करूँ। अगर नहीं कर पाई तो कोई भी बात में बता दूँगी कैसे मैं बनाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी ये पालक को ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ। तो पालक को ग्राइंड करने के पहले पालक को नमक और पानी रख करके अच्छे से उबाल ली थी, कम से कम 10 मिनट के लिए। उसके बाद 2 पानी से इसको धो दी थी। उसके बाद ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। ये ग्राइंडर एक्चुअली बहुत अच्छा है, बोस का जो मैं ली थी, और ये बहुत बेहतरीन है यार, सुपर से भी ऊपर वाला ग्राइंडर है। अगर आपको लेना है ना तो ये ग्राइंडर लो आप, क्योंकि 3-4 महीने से मुझे लगता है यूज़ कर रही हूँ और फ़ैन हो गई हूँ मैं इस ग्राइंडर की। थोड़ा सा देखे हो आप, मैं जो पालक है उसके अंदर थोड़ा सा और भी पानी डाली हूँ मैं, ताकि उसके अंदर थोड़ा भी पालक वेस्ट ना हो। अब जो इसके अंदर मैं ग्राइंड कर रही हूँ वो है तकरीबन 3 प्याज ली हूँ मैं, मीडियम साइज़ का 3 प्याज था, उसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। अब मैं ले रही हूँ कढ़ाही, कढ़ाही के अंदर जो है मैं डाली हूँ राई तेल, सॉरी रिफाइंड डाली हूँ, आप चाहे तो राई तेल भी डाल सकते हो। अब उसके अंदर फ़ौरन मैं डाली हूँ लाल मिर्च सूखा, जीरा, आप चाहे तो बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता भी डाल सकते हो, बहुत लोग दालचीनी भी डालते लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो प्याज ग्राइंड की थी वो डाली हूँ, स्वादानुसार नमक डाली हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ। अब उसको मैं कवर करके थोड़ा पकाऊंगी ताकि प्याज का जो है वो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। अब जब प्याज 2-3 मिनट पकने के बाद मैं उसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बिंदु चौधरी मसाला जो मैं आपको बोली हूँ, अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास तो अवेलेबल होगा नहीं, तो आप चिकन मसाला या फिर सब्जी मसाला भी डाल सकते हो। उसके बाद कवर कर कर के आपको तब तक भूनना है जब तक कि वो आपका मसाला एकदम से भून ना जाए, यानी कि जब मसाला आपका भून जाएगा तो अपने आप वो कढ़ाई में पकड़ेगा नहीं, और दूसरी बात वो तेल जो है वो छोड़ देता है, तो आपको उतने ही टाइम तक तो मेहनत करना पड़ेगा यार यम्मी यम्मी बनाने के लिए। अब वो मेरा मसाला एकदम पक चुका है, तो वो जो पालक जो मैं ग्राइंड करके रखी थी ना वो इसके अंदर डाली हूँ मैं, और उसके बाद मैं कवर कर करके तकरीबन, क्योंकि पालक ऑलरेडी पका हुआ है, मसाला भी पका हुआ है, तो ज़्यादा देर आपको नहीं भूनना है, 3 से 4 मिनट आपको भूनना है। और उसके बाद जब पालक और मसाला आपस में पक जाते हैं, उसके बाद आपको पनीर डालना। मैं 100 ग्राम के करीब में पनीर डाली हूँ जो कि सफिशियंट है, इनफ है अगर घर में आपके 6 जन है तो। अब जो इसके अंदर मैं ऐड की हूँ वो है मलाई, घर का जो खुद में जो वो दूध के ऊपर जो वो मलाई रहता है ना, वो तकरीबन 1 बाउल के करीब में इसके अंदर मैं डाली हूँ। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डाली हूँ, और मेरा पालक पनीर बनके रेडी हो चुका है। कलर देखो आप, सुपर से भी ऊपर वाला कलर है, उंगलियाँ चाट। आफ्टरनून मेरा, आप लोग ने देख लिया पालक पनीर कैसे मैं बनाई हूँ। वैसे अगर आप पालक पनीर बनाते हो तो बहुत 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 टेस्टी लगता है। मैं बिंदु चौधरी मसाला डाली हूँ, यानी कि वो जो मसाला है वो अम्मा का नाम डाली हूँ बिंदु चौधरी, मेरी माँ का नाम, घर का नाम गुड्डी है, गुड्डी और गुड्डी नाम अम्मा के घर का है, लेकिन बात सब वैसे अम्मा को का नाम है बिंदु चौधरी। तुमको नहीं पता था ना अम्मा का, अम्मा मीरा को नहीं पता था तुम्हारा नाम गुड्डी है, गुड्डी है, गुड्डी की गुड्डू, गुड्डी के दामाद गुड्डू, गुड्डी के दामाद है गुड्डू, पीछे से आपको गुड्डू की आवाज आ रही है तो। और
इग्नोर मारिए, मेरी बात सुनिए, अम्मा और गुड्डू की गुड्डू की आवाज़ को इग्नोर मारिए, मेरी आवाज़ सुनिए। तो पालक पनीर बन गया है, मैं बिंदु चौधरी मसाला डाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अम्मा के उस मसाला में क्या क्या डालती है, बहुत जल्द बताऊँगी। लेकिन अगर आपके पास वो वाला मसाला नहीं है, वो सबके पास नहीं होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चिकन मसाला अगर डालते हो तो आप चिकन मसाला डाल सकते हो, और अगर आप सब्जी मसाला डालते हो तो आप सब्जी मसाला डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हो। ऐसे ऐसे उंगली चाटते रह जाएंगे बच्चे आपके और हस्बैंड आपके, तो वो रात के लिए बना करके रख चुकी हूँ, मतलब डिनर मेरा समझो आप मेन काम हो गया है। अब लंच में तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, वही है अंशु अभी भी सोया हुआ है, अभी हमारे पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी का नाम क्या है दोस्तों, पंडित जी का नाम बताइए। तो पंडित जी आए हुए थे तो उनके साथ गप्पा करने में थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा लग गया, क्योंकि तो बड़े हंसमुख पंडित जी हैं, मीन्स वो आते हैं और मीन्स अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पंडित जी हो ना, तो आप एक पंडित जी होते हैं ना, उनको देख करके वो अच्छा पंडित जी, ये पंडित जी इनसे आप पूरे दिन बात कर सकते हो, इतना अच्छा अच्छा वो बात करते हैं। तो फिर आए थे हम लोग सब उनके साथ गप्पा किया, फिर वो अभी चले गए हैं और हम लोग जो हैं सब अपने काम धंधा में लग चुके हैं। तो पप्पा अभी तक नहीं खाए हैं, अंशु अभी तक नहीं खाया है, गोल्डी दूसरे वाले फ्लैट में उठ के आई है और फिर उधर गई है। पंडित जी जब भी आते हैं तो पूछते हैं बच्चिया कौन नौकरी करने लगी क्या टीवी में, क्योंकि तो नहीं पंडित जी उनकी क्या हुआ, अरे जल्दी जल्दी बच्चिया नौकरी करेगी तभी तो मेरा नाम टीवी पे लेगी ना टीवी पे नाम बच्चिया लेगी, इसलिए उनको नौकरी करवाना है गोल्डी को जल्दी जल्दी। अब मैं जा रही हूँ आलू का भट्टा बनाने के लिए। अच्छा भिंडी का भुजिया भूमि, शायद भूमि महेश्वरी समथिंग कुछ है, भूमि तो नाम याद है, आगे माहेश्वरी है कि क्या है वो सर नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने बोला है कि दीदी आप भिंडी का भुजिया कैसे बनाती है वो बताइएगा, एकदम 100% मैं भिंडी का भुजिया एकदम सिंपल वाला जो बनता है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं भिंडी का नहीं भी तो 5 तरह से भुजिया बनाती हूँ, 5 या 6 तरह से, लेकिन बड़ा ईजिली जो आप बना सकती हैं अपने बच्चे को टिफिन तो अभी पता नहीं कितने महीने बच्चे नहीं लेके जा पाएंगे, स्कूल खुलेगा तब तो, लेकिन घर में एकदम हेल्दी रहने वाला है, बच्चा भी खा सकता है, हस्बैंड भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो, हेल्दी भी और टेस्टी, वो आप सबके साथ जरूर शेयर करो। तो अब भी जा रही हूँ आलू का भरता बनाने के लिए, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा लूँगी उसके बाद आप लोगों के साथ बात कंटिन्यू कर। तो घंटे बज रहे हैं 3:10 हो रहा है और लंच ख़त्म हो चुका है, मैं गई थी नहाने के लिए कि नहा लूँगी फिर जो है सो कि लंच करूँगी, लेकिन हाय मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं हुआ है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या बताइएगा। तो लंच हो गया है अम्मा के अचार के साथ, अम्मा जो अचार बनाई थी क्या अचार बनाई हुई है, उसके साथ मैं गुड्डू और अम्मा नाश्ता कर लंच कर गुड इवनिंग लोगों से बात की, उसके बाद मैं उस फ्लैट में गई साल लेने के बाद थोड़ा सा वीडियो का काम की 2 मिनट और सीधा सो गई, आंखें दिख रही है ना मेरी सोई सी तो सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ उसके बाद आ गई हूँ इस फ्लैट में गोल्डी के लिए एप्पल देने, आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए एप्पल लूँगी और एक ग्लास दूध लूँगी, गोल्डी को जाके देखे आऊँगी, फिर गुड्डू बोले हैं ब्रेड बटर खाएंगे, अंशु के लिए ब्रेड बटर, तो मतलब अभी नाश्ता का टाइम, तो अभी सबको नाश्ता दे दूँगी, उसका थोड़ा शाम दिखलाना है, शाम दिखला देती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी, अम्मा और मैं चाय पीऊँगी, फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी। मैं हूँ किचन में, ये कुर्ता पहनी एक साल के बाद इस कुर्ता का टर्न आया है, 1 साल के बाद इसको निकाले मैंगो शेक बना के दे तब तक
मैंगो शेक। सो मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। हाउ टू मेक मैंगो शेक, तो उसके लिए आपको लेना है एक आम, उसको ऊपर से छिलका आपको हटा देना है, या फिर बिना छिलका हटा ही यूं 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 करके उसका जूस आपको निकाल देना है। मैं यूं यूं करके जूस नहीं निकालूंगी, मैं इसका छिलका हटाऊंगी और इसके अंदर मैंगो का गूदा डालूंगी, आम का गूदा डालूंगी। उसके बाद दूध डालिए, शक्कर डालिए, ग्राइंड कीजिए और आपका मैंगो शेक बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो थोड़ा बहुत आइस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। के बाद वीडियो मैं शूट नहीं की थी क्योंकि मैं माँ पापा के साथ बैठ के बात करने लगी थी। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी अच्छा लगे हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।